तो क्या है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू इलेवन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री पहले क्या करेंगे एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें इनके कॉफिशेंट होंगे मीन्स टू माइनस थ्री फाइव फर्स्ट रो सेकेंड रो में थ्री टू माइनस फोर थर्ड रो में वन वन माइनस टू और इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 11 माइनस फाइव माइनस थ्री देन ये क्या हो जाएगा सपोज दिस इज ए सेक्स And that is equal to b. Then x is equal to oh, jayega, a inverse b. You know, for finding a inverse, you have to find adjoint upon determinant value of a. Then, first of all, we have to find the value of determinant value of a. That is, determinant value is equal to minus 1. Then, you have to find cofactors of 2 minus 3, 5, 3, 2, minus 4, 1, 1, minus 2. Then, a11 is equal to a12, a13, a21, 23. एंड टू थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री ये फाइंड आउट करेंगे देन उससे हमें क्या को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे देन वी विल गेट एट जॉइंट एट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू जीरो टू वन माइनस वन माइनस नाइन माइनस फाइव टू ट्वेंटी थ्री थर्टीन देन यू हैव टू फाइंड एट जॉइंट ए के बाद क्या निकालेंगे इन वर्स देट इज़ एट जॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ़ ए डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है माइनस वन डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस वन यहाँ से आई थी देखिए

विच इज मल्टीप्लाइट बेस्ड द मैट्रिक्स थ्री फोर माइनस वन टू टू वन जीरो जीरो माइनस टू यहाँ देखिए जो सेकेंड रो जिससे हमें देखना है उसमें रो कितनी है थ्री कॉलम्स हैं टू इट मींस मैट्रिक्स ए विल बी टू बाई थ्री अब यहाँ पर टू बाई थ्री का एक मैट्रिक्स एलेक्ट कर लेते हैं टू रोज थ्री कॉलम्स का सपोज द मैट्रिक्स ए वन ए टू ए थ्री सेकेंड रो ए फोर ए फाइव ए सिक्स देन इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने से यहाँ क्या होगा यू विल गेट टू इक्वेशन ए टू ए थ्री एंड टू इक्वेशंस इन इक्वेश प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर थ्री अननोन वेरिएबल्स हैं और टू आपके पास इक्वेशंस हैं दैट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट बट एज पर मैट्रिक्स रूल द ऑर्डर इज करेक्ट सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट सपोज इन दोनों जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें ए वन ए टू ए थ्री है इन दोनों में से क्या करते है? A2 से हैं ए टू को यहाँ से एलिमिनेट करा देते हैं देन वी विल गेट टेन ए वन प्लस फाइव ए थ्री इक्वल टू फिफ्टीन इसको फाइव से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट टू ए वन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू थ्री सपोज ए वन इज के इज एन इज वैल्यू देन वी विल गेट ए थ्री इन टर्म्स ऑफ के एंड ए टू ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के सिमिलरली फॉर सॉल्विंग ए फोर ए फाइव ए सिक्स वी हैव टू इक्वेशंस अगेन ए फाइव को एलिमिनेट करा देंगे ए फोर ए सिक्स में इक्वेशन आ जाएगा उसमें ए फोर को लेट कर लेंगे लेमडा तो ए सिक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ जाएगा और ए फाइव की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ जाएगा इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए वन ए टू ए थ्री इन टर्म्स ऑफ के एंड द वैल्यू ऑफ ए फोर ए फाइव ए सिक्स इन टर्म्स ऑफ लेमडा एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पर क्या होगा के और लेमडा की वैल्यू डिफरेंस करते रहेंगे चेंज करते रहेंगे तो ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी दैट मीन्स लेमडा एंड के आर एनी स्केलर वैल्यूज ओके

को बाहर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x x, क्या करेंगे x को न, x से कैंसिल करेंगे तो x new, new, new पे हो जाएगा फिर इसके बाद क्या करना है यहाँ रिप्लेस कर देंगे किससे टू टी डी टी से तो जाएगा लेके बाहर कर दीजिए तो two, two cancel हो जाएगा then t square plus t square. अब integration में क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर अगर इक्वल है ए और द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द तो क्या करते हैं पहले उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ मैंने क्या किया टी किया रिमाइंडर आ गया माइनस वन

क्या जाएगा एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लसेंट सीधे यूज करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स को कर देंगे वन अपन ई की पार एक्स वन अपन ई की पार एक्स ए की पार एक्स ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ

साइन माइनस पाई बाई टू ओके साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू मीन्स टू साइन पाई बाई टू ओके देन इट इज टू साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू वैल्यू यू नो वन टू टू कैंसिल हो जाएगा देन आई इज इक्वल टू वन सो द आंसर इज वन ओके दैट वॉज इन करेक्ट बाई मिस्टेक इट वॉज रिटन माइनस सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ next question question number 13 see the question first of all you have to see the question question number 13 is a cone is inscribed in a sphere of radius 12 centimeter if the volume of the cone is maximum find the height of the cone okay you have to find the height for that see the solution question number 13 you have to inscribe a cone abc inside a

एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एच माइनस एच स्क्वायर अब जब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा वन बाई थ्री पाई ब्रैकेट ट्वेंटी फोर एच माइनस एच स्क्वायर इन टू एच अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देन क्या होगा पूरा इक्वेशन एच की टर्म में आ जाएगा एच की टर्म में आने के बाद इसे क्या करना है डिफ्रेंशिएट करा देना है डी वी अपॉन डी एच फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डी वी अपॉन डी एच विल बी जीरो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी

थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस ए बी एंड सी बॉक्स ए कंटेंस टू गोल्ड वन सिल्वर क्वाइन बॉक्स बी कंटेंस वन गोल्ड टू सिल्वर क्वाइंस एंड बॉक्स सी कंटेंस थ्री सिल्वर क्वाइंस अ परसन सुजेज एट रेंडम एंड टेक्स आउट इफ दिन ऑफ सिल्वर फाइंड द प्रॉबी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्राम द बॉक्स द रिमेनिंग टू क्वाइंस ऑफ सिल्वर मीन्स हमें क्या करना उस बॉक्स से लेना है जिसमें अभी दो क्वाइन सिल्वर के हैं और यह पॉसिबिलिटी किसके साथ है केवल सी के साथ क्योंकि सी हैविंग थ्री सिल्वर तब भी उसके पास रहेंगे। वो हमें बेस अप्लाई होगी ओके लेट बॉक्स ए का डिटेल है इवेंट लेट बॉक्स ए टेकन ई टू बॉक्स टेकन ई थ्री फॉर टेकन एंड ई सिल्वर फ्रॉम दैट बॉक्स ओके okay, तो प्रॉबर्टी ऑफ ई वन इज इक्वल टू प्रॉबर्टी ऑफ ई टू इज इक्वल टू प्रॉबर्टी ऑफ ई थ्री तीनों की प्रॉबर्टी इज इक्वल है क्योंकि कोई भी बॉक्स की चूज करने की आ, फ्री है वो कितना आ जाएगा वन बाई थ्री तो प्रॉबर्टी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ई वन मीन्स फर्स्ट बाग चू बॉक्स चूज किया गया और उससे सिल्वर क्वाइन निकाला गया ओके okay, तो डेट इज टोटल सिल्वर क्वाइंस कितने थे उसमें वन टोटल क्वाइंस कितने थे थ्री देन वन बाई थ्री प्रॉबर्टी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ई टू मीन्स सेकेंड बॉक्स से तो सेकेंड बॉक्स में टू सिल्वर क्वाइन है और वन गोल्ड है टोटल क्वाइन हो गए कितने, three, और कितने? Two, okay? तो e थ्री और उनमें से सिल्वर कितने थ्री सिल्वर क्वाइन है ठीक है थीके? अब इससे कोई भी क्वाइन आएगा तो सिल्वर ही आएगा तो प्रॉबर्टी नाउ अप्लाइंग बेस थोरम थ्योरम इज बी हमें क्या करना थ्योरम के लिए प्रोबलिटी ऑफ ई थ्री विद रिस्पेक्ट टू ई फाइंड आउट करना है ठीक है ये फॉर्मूला लगाएंगे इस इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री विद रिस्पेक्ट टू ई दैट इज वन बाई टू एंड दैस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड योर दिस सेक्शन थैंक यू फॉर वाचिंग आर बी फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई